हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका खाना जायकेदार में। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने मावा जलेबी की रेसिपी लेके। आज हम मावा जलेबी बनाने वाले हैं, यानी कि खोए की जलेबी। मीठे की डिमांड हो घर पे या कुछ मीठा खाने की इच्छा हो, और खोआ अगर आपको प्योर मिलना है, फ्रेश है आपके पास में, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल रेसिपी है और फटाफट जल्दी बनती है। तो चलिए देखते हैं हमने क्या लिया है। ये मैंने 200 ग्राम मावा लिया है, यानी कि खोया। 100 ग्राम मैंने मैदा लिया है। चीनी ली है मैंने चाशनी बनाने के लिए, ये भी 250 ग्राम है। सैफ्रॉन लिया है 5-6 पत्ती, इसको हम घोल लेंगे पानी में या दूध में। दूध लिया है 1 कप हमने, इसको कंसिस्टेंसी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। घी फ्राई करने के लिए जलेबी, और थोड़ा पानी मैदे का घोल बनाने के लिए। सबसे पहले हम मैदे का घोल बना लेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग रेसिपी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू माय न्यू व्यूअर्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। रेसिपी के बारे में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं मावा जलेबी। ये हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल बना लेंगे। इसकी गुठलियां खत्म होने तक के हमको इसका घोल बनाना है। गुठलियां बिल्कुल रहने नहीं पाए, और थोड़ा थिक बनाना है। ये मैदे का घोल हमने बना लिया है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे होनी चाहिए, ज्यादा पतली नहीं, ज्यादा थिक भी नहीं। अब हम ये मावा मिक्सर में पीस लेंगे। इसको मैंने क्रश तो ऑलरेडी कर दिया है। ये मैदे का घोल भी डाल देते हैं, थोड़ा दूध भी ऐड करेंगे। कंसिस्टेंसी के हिसाब से दूध कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमको इसकी कंसिस्टेंसी पोरिंग नहीं चाहिए, ड्रॉपिंग चाहिए। ये अभी थोड़ा सा मिल्क ऐड करते हुए मैं इसको मिक्सर में पीस लेती हूँ, थोड़ा सा स्मूथ बैटर बन जाएगा। ये देखिए हमने मिक्सर में बैटर इसका बना दिया है, अच्छा स्मूथ हो गया है। आप भी मिक्सर में ही बनाइएगा, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ड्रॉपिंग होनी चाहिए। सादी जलेबी के लिए थोड़ा सा पतला घोल लगता है, लेकिन मावे की जलेबी के लिए थोड़ा घोल उसका थिक होना चाहिए। अब हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं एक पॉट में, और इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं, ताकि ये और अच्छा सा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद में हम बनाएंगे इसकी जलेबी। ये हमने बैटर इसमें शिफ्ट कर दिया है, अब हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। रख दिया है चाशनी बनाने के लिए, गैस ऑन कर देते हैं। इसमें चीनी डालते हैं, पानी ऐड करते हैं, आधा ग्लास हम पानी ऐड करेंगे। को चाशनी एक तार की नहीं बनानी है, जस्ट थोड़ा सा स्टिक हो जाए दो उंगलियों में, शक्कर मेल्ट होके, ऐसी ही चाशनी बनानी है।
ये 5-7 मिनट हमने चाशनी को उबाल लिया है। चाशनी हमारी हो गई है, ये देखिए थोड़ी सी ऐसे हाथ से चिपकनी चाहिए, टूटना चाहिए, देखिए ऐसे स्टिकी होना चाहिए, इसका मतलब हमारी चाशनी बन गई है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं, पैन रखते हैं, घी डाल के फिर हम करते हैं तैयारी अपने जलेबी बनाने की। ये चाशनी में हमने सैफरन घोल के रखा था, ये इसमें डाल देते हैं कलर के लिए, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गया है, ये हमारा कोन है, इसमें हम घोल डालेंगे। आप चाहिए तो मोटे पॉलिथिन में भी आप बना सकते हैं। या फिर कपड़े में छेद करके उसमें भी बनाए जाते हैं। ये हमने कोन में डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से पुश कर लेंगे आगे। और एक बार एक होल कर लेंगे इसको, ज्यादा बारीक नहीं करना है। ये हमारा घी गरम हो गया है, इसको बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है, गरम करके फिर गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए एकदम, और इसको इस तरह से हाथ को थोड़ा घुमाते हुए शेप दीजिए, जैसे हम नॉर्मल जलेबी बनाते हैं उसी तरह। इसको हमें गोल्डन ब्राउन नहीं तलना है, थोड़ी सी ज्यादा ब्राउन करना है। ये देखिए ऐसी ब्राउनिश हो गई है, ऐसे हमें तलना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और ऐसा ही कलर आना चाहिए, तभी हमारी जलेबी अंदर से पकेगी। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, हम दूसरा राउंड डालेंगे, उसके बाद में हम हमारी बनी हुई जलेबी चाशनी में डालेंगे। हमारी ये तली हुई जलेबियां हम डाल लेते हैं चाशनी में। इनको 10 मिनट हम चाशनी में भीगे रहने देंगे, उसके बाद में हम निकाल देंगे बाहर। चलिए जलेबी चाशनी में अच्छे से सोख ली है,
अब हम इन्हें एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। एकदम मीडियम गैस में तलना पड़ता है। एक राउंड तलने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट लगते हैं। अब हम दूसरे राउंड की भी जलेबियां डाल देते हैं। ये हमारी गर्मा गर्म मावे की जलेबियां बनके तैयार है। ये मैंने थोड़ा सा पिस्ता काट के रखा है, इससे हम इसको गार्निश करेंगे। कैसे लगी आपको मेरी ये रेसिपी, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। मेरे चैनल्स को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। गुड बाय फ्रेंड्स।